जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 1 और 2 दिसंबर 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का PDF हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीमा सुरक्षा बल अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो BSF ने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। देखेंगे BSF का गठन हुआ है 1 दिसंबर 1965 को। BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं और BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल एक नई बुक जारी की है? तो हम देखेंगे एशिया विकास बैंक, यूनाइटेड किंगडम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक का बदौड़ा। तो इसमें सही है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल एक नई बुक जारी की है। इसमें ADB के अध्यक्ष हैं मात्सुगु ओसाकावा और ADB का मुख्यालय है फिलिस्पीन में। किस खिलाड़ी ने बहरीन ग्रैंड पिक्स 2020 खिताब जीता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखेंगे, अलेक्जेंडर एल्बोन, मैक्स वेरस्टैपेन और लुइस हैमिल्टन। तो इसमें जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की खिताब जीता है। रेडबुल रेसिंग टीम मेंबर मैक्स वेरस्टैपेन नीदरलैंड के हैं और अलेक्जेंडर एल्बोन थाईलैंड के, जो क्रमशः दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे। किसने हाल ही में सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। तो देखेंगे आप सही ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है। हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव, अनुप मिश्रा, PK ग्रोवर। तो इसमें सही ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का नया महासचिव उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष कौन होंगे? दिलीप रथ, डॉक्टर अमृता पटेल, वर्षा जोशी और श्री टी नंद कुमार। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष बने हैं IAS अधिकारी वर्षा जोशी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना हुआ 16 जुलाई 1965 को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। सूर्यधार झील का लोकार्पण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के गोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। इसमें उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद किस दिन मनाया जाता है? देखेंगे ऑप्शन है 30 नवंबर, 29 नवंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर। तो देखेंगे यहाँ पर सही है 30 नवंबर को राष्ट्रीय रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन में मनाया जाता है। यह 2005 के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने ICICI लोम्बार्ड के साथ किस बीमा कंपनी के विलय करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस, तो HDFC जनरल इंश्योरेंस। तो देखेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। IRDAI की स्थापना हुआ 1999 में।
IRDAI का मुख्यालय है हैदराबाद में। IRDAI के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद खुटिया। UBS ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है, देखेंगे 8.5, 9.5, 10, 11%। तो सही ऑप्शन है 11.5%। UBS ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -10% रहने का अनुमान जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा संस्करण प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है, तुम देखेंगे यहाँ पे सही ऑप्शन है 33वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति का पूरा नाम है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। किस ब्रिटिश अभिनेता का निधन हो गया है, तो देखेंगे यहाँ पे हैरिसन फोर्ड ने डेविड फ्रॉक्स का निधन हो गया है। प्रत्येक वर्ष किस नवंबर को भारत में 11वां राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है, तो सही ऑप्शन है 27 नवंबर को भारत में 11वां राष्ट्रीय अंग दिवस के रूप में मनाया गया है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTW का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जा रहा है, यह संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, दुबई में। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात दुबई के सहसा सुएब में स्थापित किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO का शुभारंभ किया है, तो देखेंगे सही ऑप्शन है 5। चुप रह जाता यार, बोला तो वो बोल जाते हैं। 5 FPO को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी FED द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना पूर्वी चंपारण में, मुरैना में, भरतपुर में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। कौन सा भारतीय क्रिकेटर ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़कर 22,000 इंटरनेशनल पूरे करने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गया है, तो पहला ऑप्शन है शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, तो सही ऑप्शन है विराट कोहली। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए POS टर्मिनलों के लिए SMSP फीचर लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, एस बैंक, इको बैंक, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है एस बैंक ने SMSP फीचर लॉन्च किया है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।